सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ कुछ बातें कर ली थी, है ना, और काफ़ी कुछ कर ली थी लास्ट क्लास में, तो है ना, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखे थे। अब हमारे पास इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं हम, जो बचपन से जिसके बारे में सुनते हैं, छोटा जी, है ना। छोटा जी क्या होता है हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी बचपन से आप वैल्यू याद रखते हैं, कितनी आती है? 9.8, है ना, तो हाँ, या फिर 10, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। जब तक कहा ना जाए, जब तक 9.8 ही लेना, पहले तो इस चीज़ को याद रखना बेटा। अब ये आता कैसे है? अगर मैं इस चीज़ को बेटा ध्यान में रखूँ तो मेरे को एक फॉर्मूला पता है, एफ बराबर होता है जी टाइम्स m1 m2 अपॉन में r² राइट। अब मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी एक बॉडी है जो अर्थ पे रखी गई है, तो उस पे लगने वाला फोर्स कितना होता है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। लेकिन अगर उस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है तो ए की जगह जी हो जाएगा, बस यही हो जाएगा। यानी कि मास जो हमारे पास आएगा वो इस एम टू से कम। देखो ये तो फिक्स है, ये तो मास ऑफ अर्थ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे। यानी कि जो इस एम टू पे फोर्स लगेगा, तो आप कहेंगे सर एम टू इंटू जी जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा जी एम एम टू अपॉन में r² राइट। अब आप लोगों को अर्थ का मास 6×10^24 kg, एम टू से एम टू कट जाएगा, जी की वैल्यू 6×10^-11, और r² जो आपके पास 6400 ले लेना है अप्रोक्स, ठीक है, वो वैल्यू दे देगा। जब आप इनको सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पर आप मास ऑफ अर्थ रखेंगे, और यहाँ पर आप रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे, तो आपके पास इस जी की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व होकर? 9.8 m/s² क्या आएगी बेटा? 9.8 m/s², ठीक है। ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहती है, ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहती है। यानी कि हम लोग पढ़ते तो ये हैं कि जी जी की वैल्यू सेम रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन ये वेरी करती है, और किस तरीके से वेरी करती है आज हम लोगों को यही सब जानना है। अगर मैं शुरुआत करता हूँ कि किस तरीके से वेरी करती है, तो बेटा सबसे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि एक आदमी है, उसका मास, उसका वेट 50 आपको दे रखा है, 50 N ऑन अर्थ। अर्थ पे उसका मास कितना दे रखा है? 50 N दे रखा है, राइट। अब मैं कहता हूँ उसे किसी ऐसे प्लेनेट पे लेके गया, उसे किसी ऐसे प्लेनेट पे लेके गया, इट वॉज ही वॉज टेकन, ही और शी जो भी है भैया जिसको आप ले जाना चाहो, ही और शी वॉज टेकन टू अनदर प्लेनेट हुज मास इज मास अनदर प्लेनेट हुज मास एंड रेडियस दोनों ही चीजें आर हाफ ऑफ अर्थ। अर्थ के रेस्पेक्ट में कितने हैं वो? आधे हैं। आपको बताना है फाइंड द वेट ऑफ आदमी या औरत जो भी रहा होगा ऑन दैट प्लेनेट, उस प्लेनेट पर उसका वेट क्या होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए एक बार नजर मार लेते हैं। देखो बेटा हमें एक फॉर्मूला पता है कि एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जो छोटा जी आता है इसकी वैल्यू आती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल, राइट। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मेरे पास जो W1 अपॉन W, पहले W1 अपॉन भी छोड़ो, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपॉन भी ले लेते हैं, दो इक्वेशन कंपेयर करा के डिवाइड करके अपना आंसर हम लोग निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में। बट आप देख सकते हो W1 इज इक्वल टू आपको mg मिलेगा, और W2 आपको जो है कितना मिलेगा आपका, ये भी mg मिलेगा। देखो मास तो बॉडी का होता है कॉन्स्टेंट, मास तो कहीं चेंज होने से रहा, तो इसका मतलब हमारे पास एम एम तो सेम ही रहने वाला है। तो W1 अपॉन W2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, एम से जी, और इस पे मैं G' कहता हूँ, बट W1 वेट अर्थ पे मान लेता हूँ मैं, ये वाली कहानी मान लेता हूँ, तो दे रखा है 50, राइट। एम से एम तो उड़ जाएगा, तो मेरे पास एक क्वेश्चन फर्स्ट बन गई, एक क्वेश्चन सेकेंड बन गई। अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 50/W2 = g/g', राइट। इस जी को मैं क्या लिख सकता हूं, जी मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में यहां पर जो जी डैश है इसमें ये जी तो चेंज होने से रहा,
क्योंकि ये जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो चेंज हो जाएगा। सर चेंज क्या होगा, मास चेंज होगा। उस प्लेनेट पे हमने बोला है कि उस प्लेनेट पे जब गया तो उसका जो मास है वो कितना है, आधा था, तो यानी कि उस प्लेनेट का मास यानी कि मास ऑफ अर्थ बाय 2 हो गया, ठीक है। और यहां पर जो उसका रेडियस है वो कितना हो गया है, हाफ है, यानी कि यहां पर आप जी एम एम टू हो गया है, तो आर ई बाय 2 का स्क्वायर कुछ इस तरीके से हो जाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म। अब यहां पे अब तुम्हें दिख रहा होगा कि थोड़ा सा जो है पंगे हो रखे हैं, तो मैं इसको हटा देता हूं, जी एम अपॉन आर ई बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जी से जी हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एम ई से एम ई बाय 2 है, एम ई से तो एम ई कट जाएगा ना, तो ये एम ई बाय 2 का 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो 2 बाय 4 नीचे रहेगा, ये आर ई का 4 हो जाएगा, बस ये अंतर रहेगा। बेसिकली आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें आपके पास आएगा 50 बाय डब्ल्यू 2 इज इक्वल्स, देखो आर पी अपॉन आर ई रेडियस ऑफ प्लैनेट, क्योंकि रेडियस ऑफ प्लैनेट है, इसको आर पी रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लैनेट, ये आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है, कोई मुश्किल तो है नहीं। अरे यहाँ पे जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर आर ई जी एम अपॉन आर पी लिख दो, तो आर पी ऊपर पहुंच जाएगा, एम ई बाय 2 छोड़ दो, एम पी लिख दो इसे, अब डाल देना ये ऐसे पहुंच जाओगे, अब वैल्यू डाल दो। रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या करी थी हमने, आधी करी थी, तो 50 बाय डब्ल्यू 2 इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ प्लैनेट हाफ ऑफ अर्थ, तो यानी कि आर ई बाय 2 और ये इंटू आर ई तो है ही नीचे, तो आर ई इसका स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ, तो एम ई है, मास ऑफ प्लैनेट कितना हो गया था, आधा हो गया था, तो एम ई बाय 2 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यही तो पहले भी कर रहा था, हाँ जी यहाँ से 1/2 वाला डायरेक्ट, पर तुम्हें समझा दिया पूरा लेंथी कैसे आ रहा, ठीक है। तो आर ई से आर ई गया, एम ई से एम ई गया, ये कितना बचेगा 1/2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 50 बाय डब्ल्यू 2 इज इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ से डब्ल्यू 2 कितना आ जाएगा 100 न्यूटन, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से छोटे मोटे न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ आप उस प्लेनेट पे जिसमें ऐसे जाओगे उसमें देखोगे तो बढ़ रहा है, जरूरी थोड़ी है कि ये केस, ये तो मैंने अपनी मर्जी से बना दिया ना कि उसका ऐसी प्लेनेट जिसका मास जो है आपके पास आधा है, उसका रेडियस भी आधा है, यानी कि आगे की तरफ जा रहे हो, बिल्कुल आप ऐसा होगा, क्यों होगा बेटा, सीधी सीधी बात है कि आर कम हो रहा है और फोर्स जो है हमारे पास ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है आर के, तो रेडियस आधा हो रहा है तो यस बढ़ना तो चाहिए कायदे से, बाकी तो मैं अपनी मर्जी से, मैं कहता इसको 10 गुना कर दो बढ़ा दो इसको, वो क्वेश्चन तो बन जाते हैं बेटा। आप जो कह रहे हैं आप ग्रेविटी चेक करिए, वो जी डैश चेंज होता है ना उसका, मतलब ग्रेविटी चेंज होती है, ग्रेविटी 1/6 है हमारे पास, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे कि हमारे पास जिस तरीके से मून क्या है, अर्थ के ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है, तो सन तो यहाँ पर है, तो उसे जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा हो वो भी चेंज होता है, आर स्क्वायर पे सारी चीज़ें वेरी कर रही है ना, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारे पास यही चीज़ इसी में मून का डाल दो, आंसर आ जाएगा आपको 1/6 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आने की नहीं है, ठीक है। इसको मिटा दें, आगे चल सकते हैं। चलिए अब छाप लिया है ना ये, हाँ 2 में आर ई लिखा है नीचे, हाँ बेटा 2 में आ रही, क्योंकि आर ई बाय 2 आर पी जो है आर हाफ था, ठीक है। तो आर पी अर्थ का हाफ था, तो मैंने आर ई बाय 2 लिख दिया, ठीक है। सबने कॉपी कर लिया है, हाँ यही करना पढ़ना, ठीक है। चलो अब जो है आगे हेडिंग डाल दीजिए इम्पोर्टेंट, अगर आप स्कूल लेवल में हैं और बाकी कॉम्पिटिशन लेवल में भी इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, तो डाल दीजिएगा वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास जो छोटा जी है ये वेरी किस किस तरीके से करता है और कैसे कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं डालने वाला हूँ वेरिएशन इन जी, केस फर्स्ट डाल देना भैया विद हाइट, और ये हाइट में मान के चल लेता हूं एच हाइट ले लेता हूं। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है मेरा कि बेटा कि मैं अभी तो यहां पर खड़ा था इस आर डिस्टेंस पर, कहां खड़ा था आर डिस्टेंस पर, कोई भी एक बंदा खड़ा था, कोई जरूरत नहीं है कहीं पे भी खड़ा हो, इस समय पर इसके सरफेस पर लगने वाला फोर्स, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट का मास एम है तो आपको पता है F बराबर जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू एम जो उस ऑब्जेक्ट का मास रहा होगा अपॉन में बड़ा R का स्क्वायर लगता है,
लगने वाला फोर्स हमारे पास mg हो जाता है, mg बराबर gmm अपॉन r स्क्वायर होता है, m से m कट जाएगा, तो ये चीज तो मुझे याद रहेगी कि gm अपॉन r स्क्वायर, और r स्क्वायर की जगह आप लोगों को रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर मिलेगा, तो आप लोग हर जगह यहाँ पर डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि जहां पे भी आपको gm दिख जाएगा उसकी जगह पर आप g into r का स्क्वायर डाल सकते हैं। इतना तो क्लियर हो रहा है। अब मैंने क्या किया, ये केस फर्स्ट मान लेता हूँ, ये केस फर्स्ट मान लेता हूँ। अब मैंने क्या करा कि मैं जो है एक हाइट h पर चला गया, एक हाइट h पर चला गया। अब वहां पर जाकर मेरे पास यही चीज होगी दोबारा से m, लेकिन यहाँ पे g की जगह g डैश, कुछ g चेंज होगा ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा g चेंज होगा, उसमें g डैश ले लेता हूँ। तो m g डैश इज इक्वल टू g टाइम्स m ऑफ m, बस r की जगह कितना आएगा, r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो m से m कट जाएगा, मैं वो लिख नहीं रहा, तो मैं बस ये कहता हूँ एट हाइट h, जब आप हाइट h पे जाओगे तो आपके पास छोटा g की वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। बेटा यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये इक्वेशन वन मान लो बच्चा पार्टी, और ये इक्वेशन आप टू मान लो, और जब आप इन इक्वेशन से किसी को भी जी डैश बोल देते हैं, इसको किसी को भी किसी से डिवाइड कर दीजिए, तो मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी अपॉन में जी डैश बराबर, आपके पास जी की वैल्यू क्या आई थी, जी एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर अपॉन में जी एम अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में आर ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मेरे पास आएगा जी इंटू जी डैश, राइट। यहां से मेरे पास जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी टाइम्स आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। समझ में आता है? अब यहां से अगर मैं आर ई कॉमन ले लेता हूं, यहां से अगर मैं आर ई कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास जी डैश की वैल्यू आ जाएगी, जी देखो आर ई यहां से भी कॉमन ले रहा हूं, यहां से भी कॉमन ले रहा हूं, पर इसमें तो आर ई है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आर ई को डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा वन अपॉन, कितना आ जाएगा, वन प्लस एच अपॉन आर ई। समझ में आता है? और इसका स्क्वायर, कोई डाउट है किसी को? तो मैंने आर ई कॉमन ले लिया, तो बाकी बात तो यही रही, यहां से आर ई कॉमन ले लिया, यहां से आर ई, आर ई से आर ई कट गया वन, यहां पे आर ई खाने तो एच को आर ई से डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना इसमें से आर ई कॉमन लेने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई आर ई अपॉन आर ई कर दिया मैंने, तो आर ई बाहर आ गया, तो डिवाइड वाला आर ई बच गया, ठीक है, थर्ड क्लास की मैथमेटिक्स है। तो आर ई लिया ना, आर ई तभी स्क्वायर तभी तो लगा के रखा है मैंने, ले लो आर ई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे फिर मैं ब्रैकेट हटा, ये स्क्वायर डालना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ, इस वाई टर्म को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास जी डैश इज इक्वल टू जी वन प्लस एच अपॉन आर ई की पावर माइनस टू। अरे बेटा ये वन अपॉन में इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर माइनस में हो जाएगी ना, रेसिप्रोकल कर दूंगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, ये जो वैल्यू है देखो, आप लोगों को जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलेंगे वो बेसिकली यहाँ तक से आप सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जब आपके पास कंडीशन ऐसी आ जाएगी, जब आपके पास ये कहानी हो जाएगी कि एच बहुत ही छोटा है आर से, तो उसके केस के लिए आप जो है इसको यूज करेंगे, फॉर एच वेरी वेरी लेस देन आर, आप लोग सिंपल इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे तो माइनस टू की मल्टीप्लाई अंदर हो जाती है और ये माइनस टू एच अपॉन आर ही आ जाएगा, तो हमारे पास यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम या यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू से अंदर करूंगा तो टू एच अपॉन आर ई, ये फॉर्मूला आपके पास आपका फाइनल डेरिवेशन दे देता है, जिसमें कहाँ बेटा, ये तो रखा है मैंने आर ई, बेटा एच के नीचे तो आर ई रहेगा, यहाँ से आर ई कॉमन लिया है मैंने, आर ई ऊपर से आएगा नीचे से आएगा, तो आर ई बाय आर ई तो वन होता है, आर ई आर ई तो कट जाता है, एच टी एच टी का एल टी तो कहीं है ही नहीं, ये वन प्लस एच अपॉन आर ई, ये एट हाइट एच
एच टी मतलब हाइट, एट हाइट एच, एट लिखा, ठीक है समझ में आया आपको। हाइट एच पे हमारे पास किस तरीके से वेरी करेगा, इसका छोटा मोटा उदाहरण ये आपके सामने दे देता है, ठीक है। आपसे कह देता है, सपोज कीजिए मैं इसको मिटा दूं, इसको यहां से इतना सा मिटा देता हूं, आपसे क्वेश्चन में कहता है कि ये भी हाइट एच के साथ वेरिएशन हो रही है, आपसे कहता है कि एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ की सरफेस से द एक्सीलरेशन, अबव द अर्थ सरफेस द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 75% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। उसने पूछा है आप मुझे बताइए कितनी हाइट पर अर्थ की सरफेस से जाएंगे कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू इस समय पर है उससे 75% कम आपको जो है जी मिले, आपको वो हाइट बतानी है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है कि आपका एब्सोल्यूट चेंज जो होता है वो कितना होता है, तो एब्सोल्यूट चेंज जो हमसे पूछा जाता है वो होता है g माइनस g डैश और इसकी वैल्यू आती है बेटा आपकी 2hg/r। अगर कहीं पे पूछ ले कि आपका एब्सोल्यूट चेंज कितना है तो एब्सोल्यूट चेंज कितना होता है हमारे पास, इतना होता है, ठीक है। आपसे पूछा रिलेटिव चेंज कितना होता है, तो रिलेटिव चेंज याद है आप लोगों को, रिलेटिव एरर ने भी किया था g-g' / g, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आती है बेसिकली g-g' की तो यही है, अपॉन जी करो तो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2h/r, ये कौन सा होता है रिलेटिव चेंज, ठीक है। g/g' = gm/re/gm ये लिखा है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है g/g'। उसके बाद आपने ऊपर लिखा है g/g' = re+h² कहां पर बेटा, ये वाला सबसे ऊपर, ये वाला लिख दिया, क्यों बेटा ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म ऊपर जाती है, gm से gm कट जाएगा, तो बेटा ये तो फोर्थ ही रही, फोर्थ तो ऊपर ही जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ ऊपर रहती है, सेकंड और थर्ड नीचे रहती है, थर्ड और इसकी मल्टीप्लाई कर दे gm cm कट गया, हां जी ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रिलेटिव चेंज, और आपसे बोलेगा परसेंटेज चेंज, अब वो भी इतना है, उसके बाद फिर ये मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, अभी देखते हैं बेटा। परसेंटेज चेंज अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2h/r × आप 100 कर देंगे तो आपके पास आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। हां जी बेटा कौन सा वाला कह रहे हैं आप, g' = g, ये वाला ऊपर, ये वाला इधर, तो ये वाला नीचे, नीचे ये वाला, हां इधर g आना चाहिए था ना, इधर देखो मैं g' को इधर लेके गया तो g (re)/re+h² हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, इसे ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ। ओके जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया है अब देख लीजिए। पहली तो बेटा आप ये चीज याद रखना, ये मैंने आपको थर्मो के और स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चन में बताया था कि अगर रिड्यूसेस बाय है तो हम लोग 100 में से कम करके उस वैल्यू को लेंगे, और रिड्यूसेस 2 है तो उतनी वैल्यू को ही लेंगे, राइट। रिड्यूसेस बाय 75% मतलब आपके पास जो नया वाला जी डैश है वो कितना है 100 - 75% / 100 रहेंगे, समझ पा रहे, भाई reduces by 75% है ना, तो आपके पास जो नया g ratio कितना है 25% रह गया basically, तो 25/100 ये आपके पास जो है नया वाला g है, तो आपके पास formula क्या हुआ करता था g dash का, g' = g r / r + h² ये हुआ करता था। g dash की value हमारे पास कितना है 25/100 g, भाई तो इसी क्रम से आ जाएगा ना, g' = 75% का ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल तो जी थी, तो इसका मतलब बचा हुआ था हमारे पास 25/100 g (r)/r + h² ठीक है, जी से जी कट जाएगा। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अधिकतर ऐसे ही टर्म्स आपको दिए होंगे जिसमें आपको जो है आराम से स्क्वायरिंग वगैरह चीजें मिल जाएंगी, तो ये आपको दिख रहा है 5 का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो टेकिंग रूट बोथ साइड आपके पास हो जाएगा 5/100 = 5/10 = r/r + h, राइट। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5r + 5h = 10r, 5h =
फाइव आर, ये आ रहा है, ये आएगा ना इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, इससे गया तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा R, यानी कि 6400 किलोमीटर पर जब आप जाएंगे तब आपको ऐसी वैल्यू देखने को मिलेगी, यानी कि H इज इक्वल टू R पर जब इतना ऊपर आप हाइट पर जाओगे तब आपकी G की वैल्यू कितनी परसेंट डिक्रीज हो चुकी होगी, 75% तक आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई होगी, रेडियस उतने ऊपर जाएंगे तो 75 डिग्री। हाँ जी, ऐसा इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए जल्दी जल्दी बेटा। मैंने आपको पहले बोला था वो केवल तब वैल्यू जब आपके पास डिस्टेंस काफ़ी कम है, यहाँ तो 25% तो काफ़ी ज़्यादा है ना। अगर एक आध किलोमीटर दो किलोमीटर की बात दे रखा है, 15-20 किलोमीटर की बात दे रखी है, तब तो बात समझ में आती है, लेकिन जब इतनी बड़ी डिस्टेंस की वैल्यू है तब आप लोग जो है इस तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया है, क्वेश्चन आसान था। अब आप डाल दीजिए अगली हेडिंग विद डेप्थ। अब की बार आप ऊपर गए थे, अब की बार आप ऊपर गए थे, अब आपको नीचे भेजते हैं कि आप जब किसी भी अर्थ को कहीं से भी खोद कर मानो नीचे चले गए तो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, इसको जानने के लिए आप लोगों के समक्ष ऐसी चीज कुछ रखी जाती है। आपके सामने एक अर्थ है, अब मान के चल लीजिए, इसका मान के क्या चलना है, अर्थ का रेडियस तो आपके पास आर ई फिक्स ही रहने वाला है। अब आप यहां से कुछ डी डिस्टेंस की दूरी पर गए, अब आपको मैंने ये चीज समझाई थी जहां पे भी कोई चीज नापनी है वहां पे हम लोग क्या बना देते हैं, गॉसियन सरफेस। तो लेट्स से कि इसका जो रेडियस है ये छोटा आर मान लेता हूं, बड़े वाले का तो रेडियस ऑफ अर्थ ही रहने वाला है, लेकिन ये छोटा आर आएगा ये कैसे आएगा, बड़े वाले में जब मैं डी डिस्टेंस कम करूंगा तभी आप आएगा ना भाई। छोटा वाला आर आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास तब आएगा जब आप आर ई में से डी को कम करेंगे। ऐसा केस हम लोगों ने ध्यान से देखा भी था, तो सॉलिड स्फीयर का जो हमने केस ड्राइव किया था उसमें जो हमारे पास वैल्यू आई थी F इज इक्वल टू क्या आया था, जी एम एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर ऐसा कुछ आया था, क्योंकि F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आर के था। अच्छा एक ना मैंने शायद कल गलती कर दी थी, यहाँ पे जी एम एम दोनों सेम आ गए थे, एक एम डैश आना है, एम डैश लिखा था, फिर तो बढ़िया है। अगर जी मैंने जी शायद जी एम स्क्वायर लिखी थी, आप लोगों ने कराया तो अच्छा है, क्योंकि एक एम डैश का आएगा और एक एम स्क्वायर का, मतलब मैंने एम स्क्वायर लिखा था, दोनों एम सेम आ गए थे जब रो लिया था ना मैंने, तो मास अपॉन वॉल्यूम मैंने ध्यान नहीं दिया, वो एम डैश का आना ठीक है ना। हाँ तो ये चेंज कर लेना बस, बाकी सब कुछ सही है पिछले लेक्चर में। तो कुल मिला के बेसिकली इसे उड़ा देते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास आर जो है, अर्थ किसकी तरह है, सॉलिड स्फीयर की तरह है भाई, अर्थ अंदर से खोखली थोड़ी है, अर्थ तो सॉलिड स्फीयर की तरह है ना। अब मैं मान के चलता हूं जब मैं पहले इस सरफेस पे था, यहाँ पर जब मैं पहले इस सरफेस पे था उस समय पर मेरा फोर्स कितना आया, जी एम एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर ठीक है, तो इस पे निकलने वाला जी कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। अच्छा अब ये तो हमारे पास हो गया नॉर्मल केस जब हम लोग सरफेस पे खड़े थे। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। इस समय पर जो डेंसिटी रही होगी वो कितनी आ जाएगी, 4/3 पाई ऑफ बड़ा आर क्यूब लिखा जा सकता है ठीक है। अब आप लोगों से छोटे मोटे क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये कि अंदर गए तब क्या डिफरेंस आएगा, भाई अंदर गए तो क्या डिफरेंस आएगा, मैं मान लेता हूं कि मेरा अंदर जाने का मतलब जी डैश हो जाएगी वहां पे ग्रेविटी, तो जी डैश इज इक्वल टू जी, चेंज नहीं होना, जी चेंज नहीं होना, लेकिन एम चेंज जाएगा इस बार, क्योंकि एम अब पूरे का एम नहीं रहेगा ना बेटा, एम तो अब सिर्फ इतने का रहेगा ना, क्योंकि अब आपके पास जो बॉडी रह गई है वो एम डैश हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन, और आर में भी चेंज है इस बार कितना आ जाएगा, आर ई में से डी को माइनस करना पड़ेगा, तो जी एम डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है वैल्यू रहने वाली है। समझ में आ रहा है। अब अगर मैं यहां पर वैल्यू डालता हूं एम डैश की, तो मेरे पास एम डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एम डैश इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में डेंसिटी तो सेम ही रहने वाली है, वो तो चेंज होने से रही, तो वॉल्यूम चेंज जाएगा, इसका जो वॉल्यूम आएगा ये कितना आएगा, 4/3 पाई ऑफ आर ई माइनस डी का होल क्यूब,
फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब होता है ना, अब ये तो है तो ये भी स्पेयर ही सॉलिड स्पेयर थे, बस इसका रेडियस चेंज हो गया। तो अब आपके पास ये आ गई इक्वेशन वन, ये आ गई इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय वन यू विल बी हैविंग g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू g, m डैश की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, रो इनटू मैं वॉल्यूम, ये तो आई बेटा m डैश की वैल्यू, रो इनटू 4 अपॉन 3 पाई r e माइनस d का क्यूब हो गया। इसका तो मैंने g डैश की वैल्यू लिख दी ना, जी एम अपॉन अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, क्लियर। अपॉन में अब इस जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन आर इंटू ई स्क्वायर। यहां तक किसी कोई डाउट है? अब हमारे सामने इस एम की जो वैल्यू आई है ये कितनी आएगी, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब इंटू रो, तो नहीं बेटा ये वाला तो इसके लिए है ना, ये वाला जी की वैल्यू तो m इसके लिए, m डैश की वैल्यू डाल दी मैंने, ठीक है। तो ये वाला m तो हमारे पास ये वाला आएगा ना, तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी थोड़ा बड़ी हो जाती है लिखते समय, तो ध्यान देते रहना, 4 अपॉन 3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर अपॉन में जी, मास क्या कह सकता हूँ मैं इस बार, इंटू रो इंटू 4 अपॉन 3 पाए बड़ा आर का क्यूब, यानी कि बड़ा आर मतलब रेडियस ऑफ आर का क्यूब अपॉन में आर ई का स्क्वायर। यहां तक किसी कोई डाउट? फर्स्ट और फोर्थ टर्म हमारे पास कहाँ जाती हैं, ऊपर, सेकंड और थर्ड टर्म नीचे। अब देखो ये नीचे है तो इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा रो से, रो आर ई स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, आर ई की पावर 3 से एक आर ई बचेगा, 4 अपॉन 3 पाई से 4 अपॉन 3 पाई कट जाएगा, आर ई माइनस डी का स्क्वायर से ये पूरा कटेगा और यहाँ पे कितना रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा, नीचे बचेगा एक आर ई, क्योंकि भाई 2 से यहाँ पे भी तो 1 बचा है ना, 2 से 1 किंग है। तो कुल मिला के मेरे पास जो वैल्यू आई है मेरे पास किसकी, जी डैश अपॉन जी की, वो कितनी आएगी बेटा, आर ई माइनस डी अपॉन में आर ई के इक्वल आ जाएगी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब यहां से आप लोग अगर आर जी डैश निकालेंगे तो जी इंटू आर ई माइनस डी अपॉन में आर ई हो जाएगा, और वही फिर आर ई अगर आप बाहर कॉमन ले लोगे तो आपके पास जी डैश इज इक्वल्स टू, देखो आर ई यहां से कॉमन लिया, यहां से कॉमन लिया तो कट जाएंगे, यहां पे बचेगा जी डैश इक्वल्स टू जी वन माइनस डी, क्योंकि डी के पास तो आर ई डी था, तो यानी कि डी में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इससे मेरे को आर ई लेना है तो मैं इंटू आर ई अपॉन आर ई करूंगा, इंटू आर ई वाला कॉमन में आ गया, डिवाइड वाला बच जाएगा, कहानी खत्म। तो हमारे पास जी डैश इज इक्वल्स टू जी वन माइनस डी अपॉन आर ई आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब आपसे फिर से वही कहानी पूछेगा कि भैया एब्सोल्यूट चेंज कितना होगा, रिलेटिव चेंज कितना होगा, तो इस बार हमारे पास जो है चेंज सेम आएगा, जैसे इसमें क्या आएगा, एब्सोल्यूट चेंज कितना आ जाएगा, एच डी बाय आर, ठीक है, और रिलेटिव चेंज कितना आ जाएगा, एच जी बाय आर, डी जी बाय आर, सॉरी एच तो नहीं, डी इंटू जी बाय आर, ठीक है, समझ में आया। और वो कितना आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव चेंज, तो आप बोलेंगे सर डी बाय आर, परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, डी बाय आर इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहला एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा फ्रैक्शनल चेंज या रिलेटिव चेंज, कुछ ही बोल सकते हो, रिलेटिव चेंज या फिर फ्रैक्शनल चेंज, और तीसरा क्या है आपके पास, परसेंटेज चेंज, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला इसमें जो है जनरली आपको ज्यादा यूज करने को मिलता है डेप्थ में, ठीक है, और हाइट में हम लोगों को कौन सा करने को मिलता है, जो अभी जिससे मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ठीक है। अच्छा, इस पे आपका एक जो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, मैं आपसे कहता हूँ फाइंड द परसेंटेज चेंज, इस बार ये निकाल लेते हैं ताकि आपकी सारी चीजें भी क्लियर हो जाए, फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन व्हेन अ पर्सन इज रीच्ड, पर्सन हैज रीच्ड 16 किलोमीटर डीप
इनटू द अर्थ। जब कोई एक व्यक्ति 16 किलोमीटर नीचे पहुंच गया है, उस समय पर उसमें परसेंटेज चेंज जो जी में आया होगा वो आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, सो क्वेश्चन वाज प्रीटी सिंपल वन। यहां पर देखिए, जी डैश इज इक्वल्स टू जी वन माइनस डी बाय आर ई, आपके सामने फॉर्मूला लिखा है। इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करेंगे तो वन माइनस कितना दे जाए, 16 अपॉन आर ई, बता रखा था मैंने, अभी हर बार नहीं देगा आपको, अगर ना दिया हो तो अप्रॉक्स 6400 ले लेना, मैंने आपको बोल दिया था, ठीक है। अगर देखो क्वेश्चन में अगर ऐसे केस में फंस जाते हो तो आप जो है 6400 ले लेना, ठीक है ना। तो हाँ जी, जी वन माइनस वन बाय 400 ले लो, इसे दिया जा सकता है 400 माइनस 1 बाय 400 कितना हो गया 399 बाय 400 भाई, 400 माइनस 1 करेंगे तो इतना ही आएगा ना। हाँ। तो आपके पास जी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 399 बाय 400 जी आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया था, परसेंटेज चेंज पूछा गया था। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव चेंज इनटू 100। रिलेटिव चेंज क्या होता था, जी माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100, यही तो आपसे पूछा था बस। अब देखो जी डैश की वैल्यू ये है, पहले इसे जी में से माइनस कर दीजिए, तो जी माइनस 399 बाय 400 जी, ये तो आ जाएगा डेल्टा जी। अरे इसको हम लोग ऐसे तो लिखते थे, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100, मूर्खों चैप्टर वन करा था तुम लोगों ने। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 भाई अपॉन में 1 ले लोगे तो 400 जी माइनस 399 जी अपॉन में 400, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 400 जी। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए डेल्टा जी आपने निकाल दिया, तो इसको डेल्टा जी बाय जी करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो इससे ये उड़ जाएगा, इससे ये उड़ जाएगा 1/4, यानी कि 0.25% आपके सामने आपका आंसर आ गया है लल्लू साहब, ठीक है। जिसने इस तरीके से किया है सही है, बाकी तुक्के उक्के मार रहे हो तो गलत है, ठीक है। हाँ अच्छा, डी अपॉन आर सीधा रख दिया जो मैंने सीधा बताया था फॉर्मूला, ऐसा हो गया, ये भी ठीक है। हाँ परसेंटेज चेंज निकालना है तो देखो, मतलब एक तरीका तो ये है, हाँ आएगा तो बेसिकली यही, तो देखो तुम्हें अच्छा है कि तुम्हें मिल गया वो ट्रिक है ना, तो ये भी आप कर सकते हैं, बट ये है कि पता होना चाहिए कि अगर 2 या 3 नंबर में स्कूल में दे रखा है तो डी वाई आर लगाओगे तो नंबर तो एक ही देंगे, वो सारी चीज आनी चाहिए, ठीक है। चले आगे, अब डाल दीजिए, विद डेप्थ हो गया। अभी अर्थ की जो हमारे पास तीसरा इफेक्ट जो आ रहा है, चेंज होगा जो अर्थ की ग्रेविटी, वो क्यों होता है, शेप, अर्थ की शेप से। जी हाँ, अर्थ की शेप से, शेक नहीं बेटा, शेप, तू बड़ा शेक शेक कर रहा है, शेक चलिए यहाँ भी ला दिया कई बार, शेक हमें भी ला दिया, हमेशा उसी को पिलाएगा, कोई सीन तो नहीं है तुम दोनों का, बाद में बताऊंगा ना भाई, मैं स्ट्रेट हूँ भाई। अच्छा इधर देखते हैं, तो जानने में क्या जा रहा है, ना ना भाई देखने में मैं स्ट्रेट हूँ भाई, बता तो रहा हूँ, जानना चाह रहा है। अच्छा वापस वापस, अर्थ की शेप से, अब तो शेप में भी इंटरेस्ट होगा। अच्छा देखो, नहीं ये अर्थ की शेप कुछ ऐसी है, कहने का मतलब क्या है, हाँ ज्यादा ऐसी है ना, एक्चुअली मैं आपको बताया था मैंने कि अर्थ इलिप्टिकल है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यू होती है कि आपके पास ये क्या है आर पी, यहाँ पे तो पोल होता है और यहाँ पे इक्वेटर होता है, भगवान के इतना तो पता होगा आपको, चलो आर ई ये इक्वेटर, तो आपको जो दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ से यहाँ पर जाते समय आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समझ आ रहा है ना, आपको दिख रहा है ना साफ साफ, यहाँ पे जाओगे तो आर कम हो रहा है। हम ले लेते हैं स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर पर ऐसा है थोड़ी, असल कहानी तो ये है ना, ठीक है। अच्छा तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैं पोल पे मिलता हूं, इस वाले पोल पे, ठीक है, अर्थ के पोल पे मिलता हूं, और वहां पर मैंने आपको जो है एक सोने की बोरी दे दी, सोने की बोरी दे दी मैंने आपको, और आपके सामने मैंने कहा देख भाई तुझे 10 किलो दे रहा हूं, और मैं जब अपने घर पहुंचूंगा वहां पे जाकर मेरे को ये 10 किलो सोना चाहिए, ठीक है। अब तुमने जो है गए अरंगा भाई, हम कैसे मान ले, नाप के दिखा, तुमने पोल पे नापा और इस बोरी में सोने की ईंटें थी बहुत सारी, और इन सारी सोने की ईंटों को हम लोगों ने नाप लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास, कोई बात नहीं, इलेक्शन का प्रचार चल रहा है, चलने दो, है ना, मेरी आवाज़ उनसे तेजी होगी, टेंशन ना लो, कम नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो हमने तोला उसे तो कितना निकला उसमें से,
दस किलो सोना पूरा पूरा निकल रहा है। मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं बेईमानी नहीं कर रहा। तुम्हारे सामने तुमने वेट किया और वेट करने पर तुम्हारे पास 10 किलो आया। क्या बेटा? पोल का पड़ता। अब देखेंगे, अब यही था मेरे पास, मान के चलो मैं इसके साथ पोल पे गया था। अरे यार, मतलब मान के चलो ना, सोना खरीदने गए, तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, तुझे क्या दिक्कत हो रही थी? कर भी रहे थे तो तुझे करना है, तू कर ले। मतलब दिक्कत इसमें है भाई, आपने दिखाया। चलो 10 kg हमने वहां पे नाप लिया, ठीक है। अब मैं अपने घर पे आया जो कि कहीं इक्वेटर पे था। मैंने कहा भाई अब तोल जरा इसे। कह रहा है भाई अब तोल, तो वो कह रहा है कि हैं, ये तो सर कम हो रहा है, ये तो कम हो गया, और सोने के रेट के हिसाब से तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा मेरे को। मैं यहाँ पे सोना जो खरीद के दे रहा हूँ तुझे, दे रहा हूँ 10 लाख का, तो यहाँ पे आके मेरे को वैल्यू दे रहा है 9 लाख की। 1 लाख का नुकसान सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आने में, तो मतलब या तो इसने घपला किया, इसने से एक आधी उड़ा दी। लेकिन भाई मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है, मुझे पूरा विश्वास है ये ऐसा नहीं करता। फिर ये थोड़ा सा मायूस हुआ कि सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने बताया बेटा तूने कुछ नहीं किया, मेरे को तुझे ग्रेविटेशन पढ़ाना था। मैं तेरे साथ खेल रहा था। हाँ, मैं तेरे साथ खेल रहा था ग्रेविटेशन वाला खेल। तो ग्रेविटेशन वाला खेल खेलते समय हुआ क्या, आप सुनो। यहाँ पर जो आपके पास एम जी आया वो क्या था, जी एम अपॉन आर ऑफ पी का स्क्वायर, रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर। और जब मैं यहाँ पर आया तो आपके पास जो एम जी आया वो आया जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। जो आपका वेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। अगर यहाँ पर रेडियस कम थी तो आपका वेट ऑब्वियसली बात है ज्यादा मिलेगा, और यहाँ पर अगर रेडियस बढ़ गई तो यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेटा तूने कोई चोरी नहीं कही थी, मुझे तो पता था, पर तू मायूस मत हो, तूने ईंट वही थी सब कुछ था, बट क्योंकि वहां पर हमारे पास इक्वेटर पे जाते समय रेडियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसीलिए हमारे पास नेट वैल्यू ऑफ जी शेप की वजह से चेंज हो जाती है। क्लियर है इतनी बातें? अब ये कितना चेंज होता है अगर मैं बताऊं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है बेटा। ये वैल्यू आती है 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास नेट मतलब शेप की वजह से चेंज आता है। इक्वेटर और पोल पे जी की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, इतनी। यानी कि यस डिफरेंस, यानी कि आप कह सकते हो मेरे पास कि ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। मोर ओवर यू कैन से कि ग्रेविटी एट पोल इज इक्वल टू ग्रेविटी एट इक्वेटर प्लस 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखेंगे तो आपके पास 1.80 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, इतना तो आप जानते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आई? लेकिन अभी भी एक इफेक्ट ऐसा है जिसकी वजह से अर्थ की ग्रेविटी और चेंज होती है। अभी भी एक इफेक्ट ऐसा बचा हुआ है जिसकी वजह से अर्थ की ग्रेविटी चेंज होती है, और वो इफेक्ट है हमारे पास कौन सा, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी कि अगर अर्थ घूम रही है अपनी एक्सिस पर, रोटेशन कहां पे करती है वो, अपनी एक्सिस पर। रिवॉल्यूशन किस पे करती है वो, ऑर्बिट पर। रिवॉल्यूशन भी एक्सिस पर, कुछ भी चल रहा है बस इन्हें, बस फिजिक्स क्लास लेने आ जाते हैं 4 से 5, घड़ी देखी, सर आज मत कराओ इतना, बस घर चले जाओ। रोटेशन रिवॉल्यूशन नहीं पता, थर्ड क्लास का हो गए 5 देख लो, ऐसे तो बच्चे हैं। चलिए, तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन नेक्स्ट लाइन डाल दीजिए। वेरिएशन इन जी ड्यू टू, ये विद शेप वाला तो कुछ लिखा ही नहीं, ये मेरी गलती है, बता दिया 0.018 मीटर पर सेकंड का अंतर होता है, 21 किलोमीटर का डिफरेंस रहता है बेटा। वैसे सच में जो अगर मतलब कोई भी सामान, हाँ सच में का होगा या फिर कोई लिविंग बॉडी का? नहीं नहीं, कोई भी सामान जिसका वेट आप नापोगे कि ग्रेविटी तो लगी रही है, लगी रही है बेटा। ये डिफरेंस जो आता है ना आपसे अगर पूछेगा कितना आता है तो 21 किलोमीटर का डिफरेंस है, 21 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आया? पोलर बियर वाला क्वेश्चन, हाँ तो कोई बात नहीं, अब अगली बार करा देंगे, ठीक है, मस्त क्वेश्चन था लेकिन, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू रोटेशन, इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। लैग हो गए थे तो बेटा अर्थ के रोटेशन की वजह से ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखते हैं। देखो ये है हमारी धरा,
भू धरा धरती पृथ्वी भूमि है ना, कितनी अच्छी हिंदी थी मेरी इस समय तक। ये उसकी एक एक्सिस है जिसके अराउंड वो ऐसे ऐसे घूम रही है, एक एक्सिस है जिसके अराउंड वो ऐसे ऐसे घूम रही है। लेकिन अर्थ की अगर मैं पूरी बात बताऊं कैसे घूम रही है, तो वो रिवॉल्यूशन भी कर रही है, रोटेशन भी कर रही है, तो वो ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है सन के चारों, यानी कि अपने एक्सिस भी घूम रही है और सन के चारों भी चक्कर काटती है। समझ रहे हो ना कहानी को? तो हमारे पास अभी ध्यान सुनना, ये मैंने वो एक्सिस ले ली है जहां पर आपकी अर्थ किसी ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। अब मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास यहां पर कोई एक आदमी खड़ा है, इक्वेटर पर कोई एक आदमी खड़ा है और वो चलते 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 यहां पहुंच गया, ठीक है। अब देखो जब वो इस पोजीशन पर था तो उसके साथ में जो ऑर्बिट उसे मिल रही थी वो ये वाली होगी, लेकिन इस पॉइंट पे अगर जाएगा तो परपेंडिकुलर तो ये वाला ही जाएगा, परपेंडिकुलर तो ये वाला ही जाएगा, यानी कि इसको मैं छोटा आर मान लेता हूं, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी, तो ये हमारे पास आर आ जाएगी बड़ा वाला, ठीक है। और इसकी जो ऑर्बिट होगी बेटा वो कुछ इस तरीके से होगी, समझ पा रहे हो ना? क्योंकि देखो यहाँ पे जो अब सोचो ना कि तुम पहले यहाँ पे थे अर्थ के, तुम्हें पूरा ऐसे चक्कर लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे लगा रहे तो अर्थ के छोटी सी बची ना, ऊपर जाओगे तो स्पीड तो कम होता जा रहा है ना, तो आर भी तो कम हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज मैंने बताई थी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब पूरा तो डेप्थ में नहीं जा सकते इस समय पर, बस एक इंट्रो बता देता हूं कि जब भी आप लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेकर आते हो और आप सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो, तो आप जब ऐसे घूमोगे तो आपको अपने उस पोजीशन पर घूमने की वजह से एक फोर्स बाहर की तरफ खींचेगी, और उस फोर्स का नाम था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिस दिन हमने मिक्सी के एग्जांपल लेकर बहुत सारी मिक्सी यहाँ पर चलाई थी, पानी घुमाया था, फिर हमने देखा था है ना, वो सारे एग्जांपल हम लोगों ने करे थे, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोगों की किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ धकेल रही है, बाहर की तरफ खींच रही है, यानी कि यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, वो सूडो फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी कैसी है, सूडो फोर्स है बेटा, तो यहाँ पर भी मेरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर की तरफ ही लगेगी, ये बात तो तय है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास कितनी आया करती थी, किसी भी बॉडी का, इस बॉडी का मास m मान लेता हूं, m टाइम्स ये जो r रहा होगा, जो इसकी ओमेगा रही होगी उसका स्क्वायर, m r ओमेगा स्क्वायर, f = ma, a = r ओमेगा स्क्वायर आता है सर्कुलर पाथ पर, तो f = ma है, फोर्स तो लग रहा है बेसिकली, ये m r ओमेगा स्क्वायर क्या है, फोर्स है भाई, कैसे आया, f = ma होता है और जो a आएगा इस जगह पर हमारे पास क्या आता है, r टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया, m r ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया फोर्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। हां जी सेंट्रीफ्यूगल, माफ कीजिएगा, बिल्कुल सही पकड़े हैं सवाल को, मतलब टॉपिक को। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर से बाहर जा रहा था, लेकिन इस बॉडी पर अर्थ का सेंटर एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो लगाएगा ही लगाएगा ना भाई, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी विद द फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हां तो ये एफ जी की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी आपके पास, जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ बॉडी अपॉन में आपके पास ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, आर, भाई यहां से लेकर यहां तक तो बड़ा आर ही आ जाएगा ना, यहां से लेकर यहां तक तो रेडियस ही ऑफ अर्थ हो जाएगी, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा इस पॉइंट को ध्यान से देखते हैं, मैंने कहा अच्छा यहां पर देखिए ये वाला जो पॉइंट होता है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ, ये वाला जो पॉइंट है जिस एंगल पे जैसे हम लोग जाते रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अर्थ की लैटिट्यूड हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। हाँ तो ये हमारे पास यहाँ पर लेट्स से कि आप लैम्डा एंगल पर है, लैटिट्यूड कितना दे रखा है आपको, लैम्डा दे रखा है। अच्छा अगर ये लैम्डा हुआ और मैं इस लाइन को एक्सटेंड करके देखता हूँ तो मेरे पास ये भी कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, भाई ये लाइन पैरेलल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, और अगर ये ऐसा है तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये मेरे पास बनना चाहिए 180 माइनस लैम्डा के बराबर बनना चाहिए। समझ में आ रहा है ना इतनी बातें, तो इतना नाइन्थ क्लास की लीनियर वो चल रही है इक्वेशन, मतलब वही समझ जाओ ज्योमेट्री वाली,
अब मैं इस फोर्स को थोड़ा सा खोल देता हूँ तुम्हारे सामने। देखो कुछ ऐसा हो रहा है कि एक फोर्स इधर लगाई थी जो कि सेंट्रीफ्यूगल वाली थी, एक फोर्स इधर थी जो कि मेरे पास ग्रेविटेशनल थी। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कहीं इस तरीके से आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि इस तरफ वाला फोर्स ज्यादा तगड़ा है, ये तो बेचारा सूडो फोर्स है, बहुत छोटा फोर्स है। यानी कि जब आपकी अर्थ घूम रही होती है तब आपको एक फोर्स बाहर की तरफ खींचता है और आप हल्का सा बाहर जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, एक बार याद करो, जब मैंने कहा था बेटा आप कार में बैठे हो और आपकी देवी जी बैठी हुई है आपके बराबर में, आप पहाड़ों में हो, सीट बेल्ट पहन लो, आप देवी जी होंगी, अगर आपने ऐसे घुमाया तो देवी जी बाहर जा सकती हैं। घुमाने वाला तो क्या था, हाँ चेयर घुमाने वाला भी वो बताया था तुम्हें करके, जिसने उसको हाथ बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था, क्योंकि घूमने पे हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था। वही सारी चीजें यहाँ पर भी है, लेकिन क्वेश्चन वही कि सर अगर अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है और आप कह रहे हो कि एक पॉइंट पर वो हमें बाहर की तरफ फेंकती है, तो फिर हम लोग बैठे बैठे बाहर की तरफ झटके क्यों नहीं देते? कहानी तो ये होनी चाहिए भाई, जिस हिसाब से पॉइंट है ये बात बिल्कुल सच है, तो ये भी तो होना चाहिए कहानी कि हमें बैठे बैठे बाहर की तरफ झटके लगने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं लगते? आइए देखते। एक्चुअल में ये जो वैल्यू होती है ना बेटा, काफी छोटी हो जाती है। कैसे हो जाती है? इस एंगुलर रोटेशन की वजह से t इज इक्वल टू क्या होता है, 2π बाय ओमेगा। तो ओमेगा आपके पास इतना आ जाएगा 2 इनटू पाई अपॉन में t। टाइम पीरियड कितना होता है, 365 डेज नलायकों, ये रिवॉल्यूशन का होता है, मैं बात कर रहा रोटेशन की, कुछ भी 24 आवर। तो 24 आवर, एक आवर में कितने मिनट होते हैं पता है, हैं 60। अच्छा चलो इतना पता है, उस मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। अच्छा अब आज निकल जाएगी इनकी। तो बेटा इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो आपका ओमेगा देखो कितना आ रहा है, 2 × 3.14 अपॉन में पता नहीं है कितना आ रहा है, अरे यार कर लेना सॉल्व, और इसे डिवाइड करोगे तो और छोटा आ जाएगा ना स्मॉल, मेरे को ये पता है कि आंसर तो स्मॉल आएगा, और यहाँ तो ओमेगा का स्क्वायर है, स्मॉल का भी स्क्वायर, और स्मॉल हो गया ये तो, वेरी स्मॉल एंड वेरी स्मॉल थिंग्स कैन बी नेग्लेक्टेड, इसीलिए आपका जो इफेक्ट है सेंट्रीफ्यूगल का वो क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब कहानी आती है कि कितनी वैल्यू से नेग्लेक्ट होता है और कितनी वैल्यू से हमारा ग्रेविटी चेंज होती है, इसको निकालना है। फिर वापस से आपको मतलब समझ में आ गया, ये वैल्यू तो बहुत छोटी है, इसलिए रिजल्टेंट इसका जो है थोड़ा बहुत इस तरफ आता है, बट बनाएंगे हम लोग अब भी भाई पैरेललोग्राम लॉ वाला पानी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एफ नेट रिजल्टेंट बेसिकली, और इनके बीच में एंगल कितना था हमारे पास, 180 माइनस लैम्डा था, राइट। तो एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, याद है ना इसी का तो भैया जी, एफ जी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2fg इनटू एफ सी कॉस थीटा। थीटा कितना है, कॉस थीटा 180 माइनस लैम्डा, तो कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा आएगा। यहां तक किसी सज्जन या किसी देवी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अगर आपका एफ नेट आ गया है ऐसे, तो फिर तो आपको वैल्यू डालनी है, एफ जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां पर? तो भैया इसको तो हम लोग कर देते हैं ऐसे, सब कुछ रूट में चल रहा है बेटा। ठीक है, एफ नेट मैं मान के चल लेता हूं भाई घूमने के, ऐसे यहां पे एम टाइम्स ऑफ जी, एम जी डैश मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एफ सी कितना आया था, एम आर ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस यहां पर कितना आएगा बेटा हमारे पास, एफ जी का मतलब कितना आ गया, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर इंटू एफ सी कितना है बेटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 180 माइनस लैम्डा कितना होता है, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा नहीं होता है, साइन थीटा नहीं होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। बाय वाले बच्चे को दिक्कत आएगी, हाँ जी हाँ, बीच में प्लस लगेगा, कोई फायदा नहीं है, क्लैरिटी करूंगा अभी।
चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई यार बेटा, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू समझ में आ रही है आपको। अच्छा देखो यहाँ पर जरा m square, m into m, m square समझ रहे हो, सब जगह से m square आ रहा है और रूट के बाहर निकालोगे m square कॉमन लेके तो m से m तो कट जाएगा। तो मैं m square सब जगह से हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ g dash is equals to यहाँ पे अंडर रूट में जी एम अपॉन आर स्क्वायर, समझ गए, m square कट गया यहाँ से, समझ गए ना, m square निकल गया। अच्छा ये वैल्यू क्या मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ? Yes, अभी तो दिखाया आपको कि ओमेगा बहुत छोटा है, ओमेगा का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, इसकी ऐसी की तैसी, नेगलेक्ट। और क्या क्यों करना, कहां-कहां डेरिवेशन बढ़ा रहा है, माइनस माइनस यहां पर देखो जरा, अब तो लेना ही पड़ेगा, अब क्या है, अब तो ये वाला लेना पड़ेगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा देखो, टू जी बड़ा एम अपॉन आर स्क्वायर बच रहा है ना, इंटू क्या बच रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा। यहां तक किसी सज्जन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक अभी जो ये करा था यहां पर देखो जरा, जी एम बाय आर स्क्वायर को, अरे मैं छोटा जी लिख सकता हूँ, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, एम से एम कट जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर जो आता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली इसका स्क्वायर है, राइट, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी स्क्वायर चलेगा। तो जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आएगा, जी स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख दूं, जी लिख दूं, टू टाइम्स ऑफ जी। अच्छा इसको देखो आर को, आपकी आर की वैल्यू ये है, अगर ये लैम्डा तो मेरे पास ये भी लैम्डा होगा और ये वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो r है इसको इसकी टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो मैं r इज इक्वल टू r cos लैम्डा लिख सकता हूँ, ये लैम्डा ये r, तो ये वाला कंपोनेंट r cos लैम्डा होता है, नीचे वाला आएगा तो r sin लैम्डा आएगा, ठीक है समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास क्या आएगा, r इज इक्वल टू r cos लैम्डा, जहां पर भी आपके पास r है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, r cos लैम्डा से। तो यहाँ पे आपके क्या आ गया 2g, यहाँ पे आप किससे रिप्लेस करेंगे इसको बताइए, r cos lambda dot omega square minus cos lambda, सब कुछ रूट में चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, है बेटा, अरे मैंने गलती कर दिया, इंटू है, समझ में आ गया ना, माइनस पे याद हो गया, इसका ही तो कर रहा है, प्लस को माइनस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, जी डैश इज इक्वल टू यहाँ पर बेटा ये कॉस स्क्वायर लैम्डा हो जाएगा ना, बैठ के लिख देता हूँ, जी स्क्वायर माइनस टू जी आर कॉस स्क्वायर लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर, जी स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, मतलब जी स्क्वायर बाय जी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे जी इंटू अपॉन में जी करना पड़ेगा, तो मैं एक जी बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे बच जाएगा जी डैश इज इक्वल टू एक जी बाहर अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस टू आर कॉस स्क्वायर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बाय जी, इतना समझ में आ रहा है। क्या मैं इसको पावर में वन बाय टू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपके पास इसके बाद यहाँ पे कैमरा में दिख रहा है यहां तक, ठीक है, फिर जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट वन माइनस टू आर कॉस स्क्वायर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी की पावर वन बाय टू, फिर से वही कहानी यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, वन बाय टू से वन बाय टू आ जाएगा, टू से टू कट जाएगा, वन बाय टू की मल्टीप्लाई आ जाएगी ना यहाँ पे, तो आपके पास बायनोमियल थ्योरम को जब आप यूज करेंगे तो जी डैश इज इक्वल्स, यहाँ पे लिख देना स्टेटमेंट है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, जी डैश इज इक्वल्स टू जी वन माइनस, डायरेक्ट कर दूं 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर सकता हूं ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस आर कॉस स्क्वायर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बाय जी, ठीक है। अब इस जी की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हमारे पास कहां जगह बच रही है, यहां बच रही है, तो जी डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, जी माइनस जी से जी कट जाएगा, आर
ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा इस वैल्यू से फाइनल वैल्यू आपकी आती है डेरिवेशन की कि जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, तो ये छोटा सा डेरिवेशन था, छोटा सा अरे था ना, मतलब सुनो यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपसे बोला जाए एट इक्वेटर आपके पास इक्वेटर पे इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है बेटा, ये आपके पास हाँ ठीक है वही तो है लैम्डा, तो यहाँ पे तो जीरो आ जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास कॉस जीरो वन, तो आपके पास जी डैश की वैल्यू इक्वेटर पे कितनी आ जाएगी, जी में से कुछ माइनस करना पड़ेगा आर ओमेगा स्क्वायर इक्वेटर पे। अरे तो रहा, लिख तो दिया एट इक्वेटर कॉस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इक्वेटर पे, और पोल पे यहाँ पे इसको 90 डिग्री कर देना है, जब 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री का मतलब ये जीरो हो गया, ये खत्म, जी डैश जी के बराबर हो जाएगा, वहां पे कोई चेंज नहीं आने वाला जी डैश में, मतलब जो नेट वैल्यू थी वो मैं बढ़ जाता है, वो जी डैश तो बढ़ा है ना, तो जी डैश जो होगा इसमें से कुछ माइनस करके आएगा, यानी कि जी जो नेट वैल्यू हमारी पोल पे जाके इससे प्लस हो जाएगी इस वैल्यू से, पर ये इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहता है, मैंने आपको दिखा दिया कि टाइम पीरियड इसका जो है काफी स्मॉल है। ठीक है, ये चीज आप लोगों से पूछी जाती है कि आपके पास पोल पे किस तरीके से, मतलब रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, एक छोटा सा वही रह गया था कि सेंटर ऑफ अर्थ पे जब जाएंगे तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कुछ भी नहीं करना, जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस डी बाय आर हो जाए, सेंटर में पहुंच जाओगे अर्थ के तो ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो यानी कि डी की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी इस बार आर के इक्वल आ जाएगी, तो 1 माइनस आर बाय आर कितना हो जाएगा, ये कहां पे हो जाएगा एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे जब आप जाओगे तो आपके जी डैश की वैल्यू जी 1 माइनस आर बाय आर के इक्वल हो जाएगी, कट जाएगा तो आपके पास जी डैश की वैल्यू कितने आती है जीरो। अब सुनो, बच्चे गलतियां करते हैं, वैसे हमने ये देखा कि सर चाहे डेप्थ पे जा रहे हो चाहे हाइट पे जा रहे हो, जी तो हमेशा डिक्रीज कर रहा है भाई, हाइट पे भी डिक्रीज कर रहा था 1 माइनस 2h अपॉन r, डेप्थ पे भी डिक्रीज कर रहा है 1 माइनस d अपॉन r, शेप की वजह से हमारे पास इक्वेटर पे भी डिक्रीज कर रहा है और रोटेशन की वजह से डिक्रीज कर रहा है, यानी कि सब जगह पे डिक्रीज कर रहा है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो आपको पता रहना चाहिए कि भैया अगर अंदर से बाहर की तरफ हम जो है डिक्रीज ही कर रहा है, चाहे डेप्थ पे जाए चाहे हाइट पे जाए सब जगह डिक्रीज ही कर रहा था, तो रेडियस इस तरीके से फॉलो होना चाहिए, मतलब डिक्रीज होना चाहिए आर स्क्वायर के साथ, कहीं पे डिक्रीज कर रहा था है ना, लेकिन ये बेटा गलत है, सुन लो ऐसे मत करना। हाँ थ्योरी में तुम्हें देखने में लग रहा है कि सब जो है डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये अर्थ का सेंटर अगर मैं इसे मान रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी आएगा। मुन्ना आप क्या कर रहे हो, ध्यान से समझो जरा इस चीज को, कि आपके पास अर्थ आपकी ये है, जब आप यहां से यहां पे आ रहे हो तब आपकी ग्रेविटी की डिक्रीज हो रही है ना, लेकिन आप यहां से यहां पे जाके फिर ऊपर का ग्राफ थोड़ी बनाओगे, एक सिस्टमेटिक ग्राफ बनता है ना, यहां से यहां पर आने में डिक्रीज हो रही है तो यहां से यहां पर जाने में क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। और याद करो ये सेम केस हो रही है क्या सॉलिड शेल वाला, सॉलिड शेल के केस में हमारे पास अंदर इंक्रीज होता था, वही तो केस है, तो अगर मैं यहां पर लगाऊंगा तो यहां से यहां तक आने में तो इंक्रीज करेगी, सरफेस पे आने के जाओ ऊपर से जाओगे तब डिक्रीज करेगी, तो ये ग्राफ ऐसा ना बनाकर जो बिल्कुल सॉलिड शेल का जो बनाया था हम लोगों ने वही बनेगा, क्या कि आपके पास जो g वर्सेस r का ग्राफ आएगा वो अर्थ के अंदर, यानी कि ये कहां पर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे, इनसाइड द अर्थ यहां पे इसे लिखना है fc का, इनसाइड अर्थ g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अर्थ के रेडियस के r के, लेकिन जैसे ये आगे सरफेस पे और सरफेस के बाहर आपके पास ये g 1 बाय r स्क्वायर के साथ वेरी करेगा, और ये पॉइंट कहां पे आ गए हम लोग एट सरफेस। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आईआईटी में भी पूछा गया था मेंस में, ठीक है, तो ये सिंपल सा था बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए उसके लिए कि हमारे पास सॉलिड वाला केस लगेगा, वरना दिखने को तो ऐसा दिख रहा था कि बार बार डिक्रीज ही हो रहा था सारा चीज डिक्रीज कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया, तो ये सारी चीजें हैं जिससे हमारे पास अर्थ की सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह एक दो इसके रह गए हैं, तो जिस दिन न्यूमेरिकल क्लास हो जाएंगी वो करा देंगे, वरना आज तो चेहरे काफी मुरझाए हुए से लगी रहे तुम्हारे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।